जय हिंद दोस्तों, आज देखिए ग्राउंड की जो है साफ सफाई होने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और ग्राउंड पे बहुत ही गड्ढा हो चुका था कालोन जैसे हुआ। दौड़ने में बहुत ही बच्चों को प्रॉब्लम होता था, जैसे पैर उदर्द करने लगता था, इसीलिए आज ग्राउंड की साफ सफाई के लिए सब बच्चे इकट्ठा हो चुके हैं। ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं मट्टी उट्टी कितना जाते जुट चुका है यहाँ पे, इसलिए साफ सफाई करना जरूरी है। ग्राउंड में पूरे ग्राउंड की साफ सफाई की जाएगी ऐसे। ये आर्मी रेसर शिवशंकर यादव, देखिए इनको ग्राउंड से कितना लगाव है, दौड़ते भी हैं और ग्राउंड की रिपेयरिंग भी करते हैं। ये थोड़ा ग्राउंड में इतना माटी वोटी सब, ये थोड़ा लाइन टाइप का हो गया है, गढ़ा हो गया है, इसी वजह से उसको छील रहे हैं, घास वास काट माटी भी निकाल रहे हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे से, कितने बारीकी से, कितने आराम से बराबर कर रहे हैं। हमारे बीच हैं विकास यादव, विकास मौर्य, ये हैं काले टी शर्ट वाले, ये भी आर्मी रेसर हैं। हमारे बीच जुड़े हैं दिनेश कुमार यादव, एथलेटिक रनर हैं, लगभग बहुत अच्छा, मतलब लगभग नहीं, बहुत अच्छा प्रदर्शन है इनका, दिनेश लाल यादव जी का। दिनेश लाल यादव, इनके ही कार्यकाल में सब कुछ हो रहा है। और हमारे कोच मनोज यादव उपस्थित हैं, बच्चों का रिपटेशन भी लगेगा, सभी लोग काम करने के बाद रिपटेशन भी लगाएंगे। आप कुछ कह सकते हैं? देखिए ग्राउंड का सफाई हो रहा है जी, और इसमें क्या करेंगे कि देखिए हम लोग इसको थोड़ा सही किए थे तो बारिश हो गया था, तो मिट्टी जमी थी, इसको थोड़ा साफ हो जाएगा तो बच्चे अच्छी रनिंग करेंगे जी। और देखिए यहाँ पे फैसिलिटी तो नहीं है, सिंथेटिक का भी नहीं व्यवस्था है, ना सांसद ना विधायक कोई भी काम पर ध्यान नहीं देता है, और हम ही लोग को सब कुछ करना पड़ता है। क्रीडा अधिकारी हैं तो वो भी थोड़ा लाइटली ध्यान देते हैं क्या करें, लेकिन ये होता है कि हमारे जो विधायक और सांसद हैं जी जी, उनके थ्रू अगर हो सके तो ये सिंथेटिक बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर काफ़ी निकलते हैं। ये हमेशा जब भी बरसात आती है तब भी दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है, दो तीन महीने प्रैक्टिस बच्चों का सही से नहीं होता है। और ये ध्यान देना चाहिए जो विधायक होते हैं सांसद होते हैं, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें काफ़ी जगहों पे सिंथेटिक काफ़ी बन गया है, लेकिन हमारे संत कबीर नगर जिले में गोरखपुर में इस बार तो आए थे विधायक जी, कुछ बोल बोल के गए हैं, कहने के लिए विधायक हैं और सांसद हैं, सिर्फ उनको अपने पैसे से ना कि उनको खिलाड़ियों से कोई फंड देना या कुछ करना, ना खिलाड़ियों का कोई सपोर्ट करना, कोई सपोर्ट नहीं है, जो संत कबीर नगर जिले में विधायक हैं कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ ये लोग अपने कागजी कार्रवाई पर चलते हैं, ग्राउंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना ना अगर किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो खिलाड़ी है आर्मी वाले या स्पोर्ट्स वाले सब अपने ही आते हैं, डेकोरेशन करते हैं। हाँ हम देख रहे हैं किस तरह सभी लोग जुड़े हुए हैं, पूरा यहाँ से वहाँ तक छिले हैं। ये है कि अब देखिए हम लोग सही करेंगे इसको जी, और इसको सही करके बच्चों को ट्रेनिंग देंगे अच्छे से, और हम लोग भी करेंगे इसके जी। और ये सब चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो नहीं नहीं सही, क्रीड़ा अधिकारी इसमें क्या कर लेगा, क्रीड़ा अधिकारी इसमें क्या कर सकते हैं, मान लीजिए वो सिर्फ कह सकते हैं जी जी जी, अप्लीकेशन दे सकते हैं। और इसको क्या है कि विधायक और सांसद को ज़्यादा देखना चाहिए कि हमारे जिले में अगर खेल का स्टेडियम है जी, तो इसको ध्यान देना चाहिए कि बच्चों से कंसेशन या कुछ कराए, गेम कराए, अदर चीज़ होता है जी। तो ऐसा कभी मैंने मतलब 4-5 साल से देख रहा हूँ कोई भी सांसद विधायक कोई रुचि नहीं रखता है गेम के बाद, यहाँ पे कभी कोई गेम भी नहीं कोई हुआ स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का, जैसे आपके पास कुछ फैसिलिटी नहीं, कहाँ से कराएंगे आप गेम कराएंगे, सिर्फ आप कागजी कार्रवाई पे करते हो गेम कराते हो ये जी, वैसे तो नहीं होता है गेम, क्योंकि होना चाहिए, बच्चे कहाँ से मोटिवेशन लाएंगे यहाँ पे खेलने के लिए, तो तमाम परेशानियाँ हैं ना, किसी चीज़ की व्यवस्था होता है समथिंग, कुछ सामान का व्यवस्था हुआ है जिससे बच्चे एक्सरसाइज इस समय कर रहे हैं, अच्छा हुआ है। तो आप ये क्रीड़ा अधिकारी दिए हैं या कोई बाहर के, मतलब नहीं अंदर अधिकारी ही दिए, क्रीड़ा अधिकारी के थ्रू आप, चलिए बहुत मतलब बहुत बढ़िया है। देखिए बच्चे अपने कर रहे हैं, जो बच्चे घर पे नहीं करते वह यहाँ पे आके ग्राउंड से ही कर रहे हैं। हाँ भाई, यहाँ पे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो भी नहीं है ज्यादा, एक दो है बेचारे, वो कितना करेंगे अकेले, घास काटेंगे कि ग्राउंड से ही करेंगे, सही सही कि प्रैक्टिस करेंगे जी जी जी। यहाँ के सांसद और विधायक को ध्यान देना चाहिए जी कि स्टेडियम का क्या हाल है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, उसकी जानकारी।
ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चा अतुल चौरसिया एनडीए की तैयारी करते हैं, देखिए अभी प्रैक्टिस भी करेंगे। कुछ लोग तो दौड़ना भी स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए वो बालक कब से मेहनत कर रहा है, शिवशंकर यादव काफ़ी मेहनती लड़का दिख रहा है ग्राउंड का। हम आपको ग्राउंड दिखाते हैं किस तरह हो गया है, बच्चे कितना मेहनत करते हैं तब जाके ग्राउंड सही होता है। घसिया जब छिलत रहा है कोई नेट जैसा रहेगा वैसा क्वालिटी बढ़ती जाएगी। पूरा ग्राउंड है खलीलाबाद का। बच्चे वार्म अप भी स्टार्ट कर दिए हैं, नए नए खिलाड़ी आए हैं, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं। हमारे बीच आ चुके हैं पुराने खिलाड़ी संजय यादव, तेज तर्रार रेसर आदमी संजय यादव आ चुके हैं। देखिए बहुत बहुत ही एन शिवेंद्र यादव HRPG कॉलेज के नेता जी। अरे हमारा राजा, हमारे बीच लोग जुड़ रहे हैं तेज तर्रार लोग। शिकायत हो गई है क्रीड़ा अधिकारी से, बहुत जल्द आप लोगों को इसका फायदा मिलेगा। हाँ ये खुद बच्चे लोग घास की कटाई कर रहे हैं, ये देख सकते हैं एथलीट ग्राउंड है। अपने काटेंगे, अपने साफ सफाई करेंगे, अपने दौड़ेंगे, घर की तरह करते हैं सब लोग ग्राउंड की सेवा।